जीडी का जिन बच्चों का एग्ज़ाम 20 फरवरी से लेके यहाँ पर 26 फरवरी तक हो चुका है, या जिन बच्चों का 27 फरवरी से लेके 12 मार्च तक अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये वीडियो दोनों के लिए है। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे लिया है या देने वाले हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका सोल्यूशन क्या है, तो आप कहाँ से देखे, अभी अभी तो आपका आंसर किया आया नहीं है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे कि एक यूट्यूब पर चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जीके या कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है जो कि शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर डालते हैं, जैसे कि आपका चार शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो आपका जिस दिन भी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा था, मान लो कि किसी बच्चा का 22 फरवरी को एग्ज़ाम था, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, अब वो जानना चाहते हैं कि कितना सही किया कितना गलत किया, क्या उसके 100 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं कि नहीं, कितने क्वेश्चन उसके सही हुए, तो वे उन यूट्यूब चैनल्स पर जाके सर्च कर सकता है, ठीक है, कि एसएससी जीडी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एसएससी जीडी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर, और डेट डाल सकता है 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट, तो उसको थर्ड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, क्या सॉल्यूशन था, उसको पता चल जाएगा कि उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और वे बेफिक्री होकर फिजिकल की तैयारी कर सकता है। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।